ने आपको जो इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया क्या? ऐसा सब लोग बोल रहे हैं और इनको भी ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम से मैं डाउनलोड। हम आ गए हैं गाइस जलंधर में, बहुत ही क्यूट सा कपल है यहाँ पे, मिस्टर एंड मिसेस सिंह, जो यहाँ पे बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फूड जो है सर्व करते हैं और लोगों को इनका खाना कितना पसंद आ रहा है आप लोग देख सकते हो। भीड़ है यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई लंगर वगैरह यहाँ पे सर्व हो रहा हो, इतनी ज़्यादा भीड़। इवन गाइस सच बताऊँ तब से स्टार्ट हो जाती है जब ये इन्होंने कार्ट अपनी जो ओपन भी नहीं करी होती है, यानी कि 1 बजे के नियर यहाँ पे लोग जो है इनके कस्टमर्स आके आना इकट्ठा हो जाते हैं। इनकी कार्ट ओपनिंग की जो टाइम है वो है 4 o'clock। तो ये देखिए जो है इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में ये बना रहे हैं गाइस, कुल्हड़ पिज्ज़ा प्रिपरेशन देख सकते हो आप लोग। भैया बोलते हैं गाइस उनको भी नहीं पता ये लोग कितनी प्लेट्स जो हैं इस कुल्हड़ से प्रिपेयर करने वाले हैं, मतलब कोई काउंटिंग नहीं रहती है इनके। यहाँ पे सॉसेस एकदम डालते जा रहे हैं और कुल्हड़ प्रिपेयर होते जा रहे हैं, और उधर देखिए बैक टू बैक ऑर्डर्स भी लगते जा रहे हैं। उधर लगा हुआ है पिज्ज़ा देख सकते हैं आप लोग। भैया जो है कुल्हड़ के अंदर फीलिंग को जो है भर भर के रखी जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा डिमांड है। क्राउड चेक कराओ भाई आप लोग एक बारी, ओह माय गॉड देखो गाइस, जब यू वॉन्ट बिलीव गाइस, जब हम यहाँ पे आए ना इन ये भैया आए नहीं थे तब, और तब से ही कस्टमर्स की लाइन जो थी ना बहुत ज़्यादा थी। शॉप खुलते ही यहाँ पे एकदम से ना हल्ला बोल हो जाता है, इतनी ज़्यादा डिमांड है इनके फूड की यहाँ पे, जो ये लोग यहाँ पे जलंधर में गाइस जो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये जो है ना लिक्विड चीज़ डाल रहे हैं कुल्हड़ के अंदर, डालते जा रहे हैं एकदम से। देन ये सॉसेज ऐड कर रहे हैं इस कुल्हड़ के अंदर। बेस्ट थिंग इज़ इनके यहाँ पे कुल्हड़ पिज़्ज़ा तो मिलता है, साथ में कुल्हड़ पास्ता भी ये लोग जो सर्व करते हैं, यूनिक कॉन्सेप्ट है इनके यहाँ पे। देन ये अगेन लिक्विड चीज़, देन ये ऊपर से गाइस ग्रेटेड चीज़ डाल रहे हैं कुल्हड़ के अंदर, मिक्स कर रहे हैं जो पिज़्ज़ा को बनाएगा प्रॉपर। चीज़ देखिए एकदम भर भर के डाल रहे हैं भैया जो है, कोई कंजूसी नहीं है यहाँ पे चीज़ की, पूरा चीज़ी पिज़्ज़ा ये लोग सर्व करते हैं। देन अगेन ये और फीलिंग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, सभी कुल्हड़ के अंदर इक्वल अमाउंट में डाल रहे हैं। बैक टू बैक इनके यहाँ पे ऑर्डर्स लगते जा रहे हैं। भैया कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग जो जलंधर में बड़े फेमस हुए हो जी, क्या प्रिपेयर कर रहे हो आप ये? मैं अभी कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। ठीक है, एस्टिमेट आई इसमें से कितने कुल्हड़ प्रिपेयर कर लोगे आप? एस्टिमेटेड पहले मैं एस्टिमेट करके बनाता था, वैसे तो मुझे एस्टिमेट है बट अब मैं एस्टिमेट करना छोड़ दिया। ठीक है, क्राउड इतना चाहता है ना कि आप लोग आप एस्टिमेट किए बिना ही बनाते रहते हो। हाँ जी। सर कुल्हड़ पिज़्ज़ा के अलावा और क्या क्या रहता है आपके यहाँ पे? कुल्हड़ पिज़्ज़ा, कुल्हड़ पास्ता एंड साथ में बर्गर पिज़्ज़ा सैंडविच सैलेड्स पास्ता, बहुत कुछ रहता है। मतलब अब कुल्हड़ के अंदर जा रही है फीलिंग। आप ये बताओ पहले मेरे को, आप सेकंड टाइम कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाने और शूट करने आए हो, ऐसे मुझसे कुल्हड़ पिज़्ज़ा का टेस्ट पूछ रहे हो, आप दूसरी बार खाने आए हो? अरे भैया मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ कुल्हड़ पिज़्ज़ा में वही चीज़ें जो कॉमन है कि नहीं, टेस्ट एंड ऑल सेम, टेस्ट एंड डिफरेंट थोड़ी चीज़ें और टेस्ट अच्छा हो गया पहले से भी। ठीक है, आपने और बहुत कुछ इंक्लूड किया इसमें जी। टाइमिंग्स क्या रहती हैं आपके यहाँ की? टाइमिंग का अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, जनरली सिचुएशन बताएँ हम, हमारी कोशिश होती है कि 3 बजे यहाँ पर पहुँच जाएँ, और कस्टमर की भीड़ यहाँ पे जो है 1 बजे से होनी शुरू हो जाती है। जब हम पहले आए थे मेरे को सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे ये लगा, जब हम पहले आए थे तब आप अकेले ही यहाँ पे सब कुछ हैंडल करते थे, बट अब आपके साथ जो है मैम भी हैंडल कर रहे हैं, कपल गोल में आप लोग काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हेलो मैम। हेलो जी, कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। क्या प्रिपेयर कर रहे हो आप? मैम मैं बना रही हूँ तंदूरी पनीर पिज्ज़ा। ठीक है, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? 3.5 months हो गए। ठीक है, तो पहले से आप ये कार्ट में ही करते थे काम? नहीं, मैं बेसिकली जयपुर से हूँ और मैं जयपुर में आईटी कंपनी में जॉब कर रही हूँ।
एक्चुअली शादी के बाद जब मैं जलंधर आई थी तो यहाँ पर आई टी कंपनीज नहीं थी, और आई टी कंपनीज ना होने करके मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी. सो मैंने काफ़ी सारी इमिग्रेशन कंपनीज़ में, जहाँ वीज़ा वाली जो कंपनीज़ होती हैं, मैंने वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए. बट वहाँ पे जो मेरा को सैलरी पैकेज जो मुझे मिल रहा था वो मेरी एक्सपेक्टेशन से 1/4 भी नहीं था. सो देन आई डिसाइडेड, मतलब हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि अपने ही, मतलब जो इनका जो काम है, बिज़नेस है, उसी में हम मिलके काम करेंगे और इस बिज़नेस का आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे जैसे आप लोग लेट नाइट तक भी काम करते हो ना, तो काफ़ी तरह के कस्टमर्स आते होंगे. हाँ जी मैम, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, काफ़ी तरह के कस्टमर्स आते हैं. कई बार रूड कस्टमर्स बहुत भी आ जाते हैं, कई बार जैसे ड्रिंक की हुई होती है लोगों ने, वो भी आ जाते हैं. पर एक्चुअली हमारा जो काम है, हमारा काम है सर्व करना कस्टमर को, तो हम कस्टमर को सर्व करते हैं. मैम आप मुझे एक बात बताइए, एक बात आपके बारे में मैंने बड़ी सुनी है, भैया ने आपको जो इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया क्या? ऐसा सब लोग बोल रहे हैं और इनको भी ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम से मैं डाउनलोड हुई हूँ, बट डाउनलोड नहीं हुई, हम लोग म्यूचुअली मिले हैं. सो इट्स अ म्यूचुअल मीटिंग, नॉट डाउनलोड टाइप. चलिए अब आपने भैया का ये डाउट क्लियर कर दिया बेसिकली, और हमारा भी डाउट जो है वो क्लियर हो गया है. हाँ जी, आपका पिज्ज़ा भी रेडी हो गया है? बस ऑलमोस्ट मेरा पिज्ज़ा रेडी है, बस अब ये बेक होने के लिए ओवन में जाएगा. ठीक है, कितना टाइम लगता है बेक होने को इसको? मैम पिज़्ज़ा एक्चुअली जो मैंने ये तंदूरी पनीर बनाया है, इसको मैंने मैरिनेट करके पनीर को वेजिटेबल्स में, और फिर इसको बेस पे मैंने प्रिपेयर किया है, और मैंने उसके ऊपर चीज डाला के लिए इसको ऑलमोस्ट 5-7 मिनट्स लगते हैं. ठीक है, देखिए ये कुल्लड़ पिज़्ज़ा जो है अवन में जाने के लिए रेडी है. ये कुल्लड़ के ऊपर जो है एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं, पिज़्ज़ा को प्रॉपर चीज़ी बनाने के लिए. यार रश देख सकते हो आप लोग, इवन मुझे भी अपने कुल्लड़ पिज़्ज़ा के लिए इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा. यार चीज़ पूल देखो इसमें कितना अमेजिंग है, एकदम गर्मा गर्म हीट निकल रही है, सो अमेजिंग. करते हैं इसको टेस्ट, बिल्कुल चीज़ी चीज़ी इसका जो है अमेजिंग. गाइस सो चीज़ी, मैं आपको बताऊं तो सो फ्लेवरफुल. इस कुल्लड़ पिज़्ज़ा में बेसिकली आपको हर चीज़ का टेस्ट आने वाला, प्रॉपर स्पाइसेस, अनियन, कैप्सिकम. एक तरफ ये हेल्दी भी है, दूसरी तरफ आप पिज़्ज़ा भी खा रहे हो और उसको खा भी प्रॉपर कुल्लड़ के फॉर्म में रहे हो. अंदर प्रॉपर बर्गर बंस जो होते हैं उनको पीस कटिंग में डाला हुआ है, सो अमेजिंग. यार चीज़ की बिल्कुल कोई भी कंजूसी नहीं करी गई है, सो टेस्टी. उस कुल्लड़ पिज़्ज़ा के लिए अगर आपको यहाँ पे आके खाना है तो आपको कम से कम यहाँ पे आके हाफ एन आवर वेट करना पड़ेगा, बिकॉज टेस्ट तो सुपर है. मैं बोलूँ तो सो फ्लेवरफुल. अंदर पनीर के भी पीसेज जो कट करके डाले हुए हैं. तो गाइस आप लोगों ने मेरा फूड ब्लॉगिंग चैनल बहुत देखे यार, अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी कपल ब्लॉग डालूँ, अगर मैं भी अपने डेली ब्लॉग्स के चैनल जो है स्टार्ट करूँ और वीडियोज़ डालूँ, तो कमेंटों की ढेर लगा दो यार. अगर कमेंटों की बारिश हो जाती है ना यस 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 में, तो मैं मजबूर हो जाऊँ कि मुझे भी अपनी डेली ब्लॉगिंग जो है डालनी चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज.